स्कूल जिसे विद्यालय कहा जाता है और जहां माता पिता बच्चों को लेकर निश्चिंत रहते हैं कि हमारा बच्चा वहां सुरक्षित होगा और अध्ययन कर रहा होगा, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा मंदिर है जहां बच्चों का भविष्य उज्जवलता की ओर जाता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि बच्चों को स्कूल में जंजीरों से बांध कर रखा जाता है? नहीं ना, लेकिन ये सच है। दरअसल सूडान के स्कूलों में बच्चों के साथ यही हरकतें की जाती है। आपको बता दें कि सूडान एक गरीब देश है जहां लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इसके इतर इस देश में अत्याचार भी चरम पर है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार सूडान के इस्लामिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के साथ हैवानियत और अत्याचार की हर हदें पार की जाती है। बताया जा रहा है कि यहाँ के इस्लामिक स्कूलों में हजारों बच्चों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता है, फिर उसे पीटा भी जाता है। इन बच्चों की उम्र 5 वर्ष से भी कम की होती है, जिसे स्कूल के प्रभारी धार्मिक शिक्षक रोज बुरी तरह पीटते हैं और मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं। बताया जा रहा है कि देश में लगभग 30,000 ऐसे मामले सामने आए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि स्कूल में कुपोषित लड़कों को विद्रोहियों की तरह रखा जाता था और वे सभी भीषण गर्मी में फर्श पर सोने के लिए मजबूर होते थे। इसके साथ ही यहाँ किसी भी तरह की चिकित्सीय व्यवस्था नहीं होती है। साथ ही यहाँ बच्चों को 5 दिनों तक बिना भोजन और पानी के खलवा के अंदर कैद कर उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ जंजीर में बांध कर बड़े छात्रों द्वारा छोटे छात्रों को अप्राकृतिक दुष्कर्म भी करवाया जाता है, जिसकी जांच में पुष्टि भी हुई है। बिग न्यूज 24x7 से संपदा झा की स्पेशल रिपोर्ट।